अज़रा पहला बाब और शाह फारस खोरस की सल्तनत के पहले साल में, इसलिए कि खुदावंद का कलाम जो यर्मिया की जुबानी आया था पूरा हो, खुदावंद ने शाह फारस खोरस का दिल उभारा, सो उसने अपनी मुमलकत में मुनादी कराई और इस मजमून का फरमान भी लिखा कि शाह फारस खोरस यूं फरमाता है कि खुदावंद आसमान के खुदा ने जमीन की सब मुमलकतें मुझे बख्शी हैं और मुझे ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में है उसके लिए एक मस्कन बनाऊं। पस तुम्हारे दरमियान जो कोई उसकी सारी कौम में से हो उसका खुदा उसके साथ हो, और वो यरूशलेम को जो यहूदा में है जाए, और खुदावंद इसराइल के खुदा का घर जो यरूशलेम में है बनाए, वो ही खुदा है। और जो कोई किसी जगह जहां उसने कयाम किया बाकी रहा हो तो उसी जगह के लोग चांदी और सोने और माल और मुएशी से उसकी मदद करें, और अलावा इसके वो खुदा के घर के लिए जो यरूशलेम में है रजा के हदिये दें। तब यहूदा और बिन्यामीन के आबाई खानदानों के सरदार और काहिन और लावी और वो सब जिनके दिल को खुदा ने उभारा उठे के जाकर खुदावंद का घर जो यरूशलेम में है बनाएं, और उन सबों ने जो उनके पड़ोस में थे इलावा उन सब चीजों के जो खुशी से दी गई, चांदी के बर्तनों और सोने और असबाब और मुआशी और कीमती अशिया से उनकी मदद की। और खोरस बादशाह ने भी खुदावंद के घर के उन बर्तनों को निकलवाया जिनको नबुकदनेस्सर यरूशलेम से ले आया था और अपने देवताओं के मंदिर में रखा था। इन्हीं को शाह फारस खोरस ने खजांची मित्रदात के हाथ से निकलवाया, और उनको गिनकर यहूदा के अमीर शैसिस बसर को दिया, और उनकी गिनती ये है, सोने की 30 थालियां और चांदी की 1000 थालियां और 29 छुरियां और सोने के 30 प्याले और चांदी के दूसरी किस्म के 410 प्याले और किस्म के बर्तन 1000, सोने और चांदी के कुल जरूफ 5400 थे। शैसेस बसर इन सबों को जब असीरी के लोग बाबल से यरूशलेम को पहुंचाए गए ले आया। अज़रा दूसरा बाब। मुल्क के जिन लोगों को शाह बाबल नबुकदनेस्सर बाबल को ले गया था, उन असीरों की असीरी में से वो जो निकल आए और यरूशलेम और यहूदा में अपने अपने शहर को वापस आए, ये हैं: और जुरबाबल, यशु, नाहमिया, सेराया, रियाला, मर्दकी, बिशलान, मिसफार, बेगोई, रहूम और बाना के साथ आए। इसराइल कौम के मर्दों का शुमार ये है: बनी पर ओस 2172, बनी सफ्तिया 372, बनी इरख 775, बनी पख्त मुआब जो यशु और युआब की औलाद में से थे 2812, बनी एलाम 1254, बनी जतु 945,
बनी जकी 760, बनी बानी 642, बनी बबी 623, बनी अजाद 1222, बनी अदू नकाम 666, बनी बगवई 2056, बनी अदेन 454, बनी अतीर हिस्किया के घराने के 98, बनी बसी 323, बनी योरा 112, बनी हाशूम 223, बनी जिब्बार 95, बनी बैतलहम 123, अहले नतोफा 56, अहले अनतोत 128, बनी अजमाउत 42, करेत आरेम और कुफरा और बैरोत के लोग 743, रामा और जिब्बा के लोग 621, अहले मकमास 122, बैतिल और ऐ के लोग 223, बनी नबू 52, बनी मजबेस 156, दूसरे एलाम की औलाद 1254, बनी हेराम 320, लौद और आदीद और अनो की औलाद 725, यरहू के लोग 345, सनाहा के लोग 3630, फिर काहिनों यानी यशु के खानदान में से यदुआ की औलाद 973, बनी अमीर 1052, बनी फिशहोर 1247, बनी हारेम 1017, और लावियों यानी हुदाव्या की नस्ल में से यशु और कदमियल की औलाद 74, गाने वालों में से बनी आसफ 128, दरबानों की नस्ल में से बनी सलूम, बनी अतीर, बनी तलमोन, बनी अकोब, बनी खतीता, बनी सोबी, सब मिलकर 139, और नतनाइम में से बनी जिहा, बनी हसूफा, बनी तबोत, बनी करोस, बनी सिहा, बनी फदोन, बनी लिबना, बनी हिजाबा, बनी अकोब, बनी हिजाब, बनी शमली, बनी हेनान, बनी जदील, बनी हजर, बनी रियाया, बनी रसेन, बनी नकोदा, बनी जजाम, बनी ओजा, बनी फासेख, बनी बसी, बनी असाना, बनी मोनीम, बनी नफी साइम, बनी बकबूक, बनी हकूफा, बनी हुरहोर, बनी बसलोत, बनी महीदा, बनी हर्षा, बनी बरकोस, बनी ससेरा, बनी मतवा, बनी तामहा, बनी निजाहा, बनी खिताफा, सुलेमान के खादिमों की औलाद बनी सोती, बनी हसफरुत, बनी फरोदा, बनी युला, बनी दरकोन, बनी जदेल, बनी सफ्तिया, बनी खतेल, बनी फखरोत जाबाइम, बनी अमी, सब नतनियम और सुलेमान के खादिमों की औलाद 392, और जो लोग तल मिला और तल हरसा और करोब और अदान और अमीर से गए थे सो ये हैं, पर ये लोग अपने आबाई खानदान और नस्ल का पता नहीं दे सके कि इसराइल के हैं या नहीं, यानी बनी दिलाया, बनी तौबिया,
बनी नकोदा 652 और काहिनों की औलाद में से बनी हबाया, बनी हकोस, बनी जजरली, जिसने जेलादी बजरली की बेटियों में से एक को ब्याह लिया और उनके नाम से कहलाया। उन्होंने अपनी सनद उनके दरमियान जो नसब नामों के मुताबिक गिने गए थे ढूंढी पर ना पाई, इसलिए वो नापाक समझे गए और कहानत से खारिज हुए। और हाकिम ने उनसे कहा कि जब तक कोई काहिन औरेमो तायमेम लिए हुए ना उठे, तब तक वो पाक तरीन चीजों में से ना खाएं। सारी जमायत मिलकर 42,360 की थी। इनके अलावा उनके गुलामों और लौंडियों का शुमार 7,337 था और उनके साथ 200 गाने वाले और गाने वालियां थीं। उनके घोड़े 736, उनके खच्चर 245, उनके ऊंट 435 और उनके गधे 6,720 थे। और आबाई खानदानों के बाज सरदारों ने जब वो खुदावंद के घर में जो यरूशलेम में है आए, तो खुशी से खुदा के मस्कन के लिए हदिये दिए, ताकि वो फिर अपनी जगह पर तामीर किया जाए। उन्होंने अपने मकदूर के मुआफिक काम के खजाना में सोने के 61,000 दिरहम और चांदी के 5,000 मना और काहिनों के 100 पैराहन दिए। सो काहिन और लावी और बाज लोग और गाने वाले और दरबान और नतनीम अपने अपने शहर में और सब इसराइली अपने अपने शहर में बस गए। अज़रा 3 बाब। जब 7वां महीना आया और बनी इसराइल अपने अपने शहर में बस गए, तो लोग यकतन होकर यरूशलेम में इकट्ठे हुए। तब यशु बिन योसदक और उसके भाई जो काहिन थे और जोरबाबल बिन सालतियल और उसके भाई उठ खड़े हुए और उन्होंने इसराइल के खुदा का मजबा बनाया, ताकि उस पर सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाएं, जैसा मर्दे खुदा मूसा की शरीयत में लिखा है। और उन्होंने मजबा को उसकी जगह पर रखा, क्योंकि उन अतराफ की कौमों के सबब से उनको खौफ रहा और वो उस पर खुदावंद के लिए सोख्तनी कुर्बानियां यानी सुबह शाम की सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाने लगे। और उन्होंने नविश्ता के मुताबिक खैमों की ईद मनाई और रोज की सोख्तनी कुर्बानियां गिन गिन कर जैसा जिस दिन का फर्ज था दस्तूर के मुआफिक चढ़ाई। उसके बाद दायमी सोख्तनी कुर्बानी और नए चांद की और खुदावंद की उन सब मुकर्रा ईदों की जो मुकद्दस ठहराई गई थीं और हर शख्स की तरफ से ऐसी कुर्बानियां चढ़ाई जो रजा की कुर्बानी खुशी से खुदावंद के लिए गुजरानता था। 7वें महीने की पहली तारीख से वो खुदावंद के लिए सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाने लगे, पर खुदावंद की हैकल की बुनियाद हनूज डाली न गई थी। और उन्होंने मैमारों और भड़ैयों को नकदी दी और सैदानियों और सौरियों को खाना पीना और तेल दिया, ताकि वो देवदार के लट्ठे लबनान से योफा को समुन्दर की राह से लाएं, जैसा उनको शाह फारस खौरस से
परवाना मिला था। फिर उनके खुदा के घर में जो यरूशलेम में है आ पहुंचने के बाद दूसरे बरस के दूसरे महीने में जरबाबल बनी सालतियल और यशुबेन योसदक ने और उनके बाकी भाई काहिनों और लावियों और सबों ने जो असीरी से लौटकर यरूशलेम को आए थे काम शुरू किया, और लावियों को जो 20 बरस के और उससे ऊपर थे मुकरर किया कि खुदावंद के घर के काम की निगरानी करें। तब यशु और उसके बेटे और भाई और कदमियल और उसके बेटे जो यहूदा की नस्ल से थे मिलकर उठे कि खुदा के घर में कारीगरों की निगरानी करें, और बनी हंदाद भी और उनके बेटे और भाई जो लावी थे उनके साथ थे। सो जब मैमार खुदावंद की हैकल की बुनियाद डालने लगे तो उन्होंने काहिनों को अपने अपने पैरहन पहने और नरसिंगे लिए हुए और आसिफ की नस्ल के लावियों को झांझ लिए हुए खड़ा किया कि शाहे इसराइल दाऊद की तरतीब के मुताबिक खुदावंद की हम्द करें। सो वो बाहम नौबत बानौबत खुदावंद की सताइश और शुक्रगुजारी में गा गा कर कहने लगे कि वो भला है क्योंकि उसकी रहमत हमेशा इसराइल पर है। जब वो खुदावंद की सताइश कर रहे थे तो सब लोगों ने बुलंद आवाज से नारा मारा, इसलिए कि खुदावंद के घर की बुनियाद पड़ी थी। लेकिन काहिनों और लावियों और आबाई खानदानों के सरदारों में से बहुत से उम्र रसीदा लोग जिन्होंने पहले घर को देखा था उस वक्त जब इस घर की बुनियाद उनकी आंखों के सामने डाली गई तो बड़ी आवाज से चिल्लाकर रोने लगे और बुथेरे खुशी के मारे जोर जोर से ललकारे। सो लोग खुशी की आवाज के शोर और लोगों के रोने की सदा में इम्तियाज ना कर सके क्योंकि लोग बुलंद आवाज से नारे मार रहे थे और आवाज दूर तक सुनाई देती थी। अज़रा चौथा बाब। जब यहूदा और बिन्यामीन के दुश्मनों ने सुना कि वो जो असीर हुए थे खुदावंद इसराइल के खुदा के लिए हैकल को बना रहे हैं, तो वो जुरबाबल और आबाई खानदानों के सरदारों के पास आकर उनसे कहने लगे कि हमको भी अपने साथ बनाने दो क्योंकि हम भी तुम्हारे खुदा के तालिब हैं जैसे तुम हो, और हम शाह असोर असर हदोन के दिनों से जब हमको यहां लाया उसके लिए कुर्बानी चढ़ाते हैं। लेकिन जुरबाबल और यशु और इसराइल के आबाई खानदानों के बाकी सरदारों ने उनसे कहा कि तुम्हारा काम नहीं है कि हमारे साथ हमारे खुदा के लिए घर बनाओ, बल्कि हम आप ही मिलकर खुदावंद इसराइल के खुदा के लिए उसे बनाएंगे जैसा शाह फारस खोरस ने हमको हुक्म दिया है। तब मुल्क के लोग यहूदा के लोगों की मुखालिफत करने और बनाते वक्त उनको तकलीफ देने लगे, और शाह फारस खोरस के जीते जी बल्कि शाह फारस दारा की सल्तनत तक उनके मकसूद को बातिल रखने के लिए उनके खिलाफ मशीरों को उजरत देते रहे। और अख्सोरिस के अहदे सल्तनत यानी उसकी सल्तनत के शुरू में उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों की शिकायत लिख भेजी। फिर अर्तक शास्ता के दिनों में
बिशलाम और मित्रदात और ताइबिल और उसके बाकी रफीकों ने शाहे फारस इर्तखशास्ता को लिखा। उनका खत इरामी हरूफ और इरामी जुबान में लिखा था। रहोम दीवान और शमसी मुंशी ने इर्तखशास्ता बादशाह को यरूशलेम के खिलाफ यूं लिखा। सोहरैम दीवान और शमसी मुंशी और उनके बाकी रफीकों ने जो दीना और अफारस्तखा और तरफेला और फारिस और अरेक और बाबल और सोसन अदरादा और आलेम के थे और बाकी उन कौमों ने जिनको उस बुजुर्गो शरीफ असनफर ने पार लाकर शहरे सामरिया और दरिया के इस पार के बाकी इलाका में बसाया था वगैरह वगैरह इसको लिखा। उस खत की नकल जो उन्होंने अर्तखशास्ता बादशाह के पास भेजा ये है, आपके गुलाम यानी वो लोग जो दरिया पार रहते हैं वगैरह बादशाह पर रोशन हो कि यहूदी लोग जो हजूर के पास से हमारे दरमियान यरूशलेम में आए हैं वो उस बागी और फसादी शहर को बना रहे हैं। चुनाचे दीवारों को खत्म और बुनियादों की मुरम्मत कर चुके हैं, सो बादशाह पर रोशन हो जाए कि अगर ये शहर बन जाए और फसील तैयार हो जाए तो वो खेराज चुंगी या महसूल नहीं देंगे और आखिर बादशाहों को नुकसान होगा। सो चूंकि हम हजूर के दौलत खाना का नमक खाते हैं और मुनासिब नहीं कि हमारे सामने बादशाह की तहकीर हो, इसलिए हमने लिखकर बादशाह को इतला दी है ताकि हजूर के बाप दादा के दफ्तर की किताब में तफ्तीश की जाए तो उस दफ्तर की किताब से हजूर को मालूम होगा और यकीन हो जाएगा कि ये शहर फितना अंगेज शहर है जो बादशाहों और सूबों को नुकसान पहुंचाता रहा है और कदीम जमाना से उसमें फसाद बरपा करते रहे हैं। इसी सबब से ये शहर उजाड़ दिया गया था और हम बादशाह को यकीन दिलाते हैं कि अगर ये शहर तामीर हो और इसकी फसील बन जाए तो इस सूरत में हजूर का हिस्सा दरिया पार कुछ न रहेगा। तब बादशाह ने रोहोम दीवान और शमसी मुंशी और उनके बाकी रफीकों को जो सामरिया और दरिया पार के बाकी मुल्क में रहते हैं ये जवाब भेजा कि सलाम वगैरह जो खत तुमने हमारे पास भेजा है वो मेरे हजूर साफ साफ पढ़ा गया और मैंने हुक्म दिया और तफ्तीश हुई और मालूम हुआ कि इस शहर ने कदीम जमाना से बादशाहों से बगावत की है और फितना और फसाद उसमें होता रहा है और यरूशलेम में जोरावर बादशाह भी हुए हैं जिन्होंने दरिया पार के सारे मुल्क पर हुकूमत की है और खेराज चुंगी और महसूल उनको दिया जाता था। सो तुम हुक्म जारी करो कि ये लोग काम बंद करें और ये शहर ना बने जब तक मेरी तरफ से फरमान जारी ना हो। खबरदार इसमें सुस्ती ना करना। बादशाहों के नुकसान के लिए खराबी क्यों भरने पाए। सो जब अर्तखशास्ता बादशाह के खत की नकल रोहोम और शमसी मुंशी और उनके रफीकों के सामने पढ़ी गई तो वो जल्द यहूदियों के पास यरूशलेम को गए और जबर और जोर से उनको रोक दिया। तब खुदा के घर का
जो यरूशलेम में है काम मौकूफ हुआ, और शाहे फारस दारा की सल्तनत के दूसरे बरस तक बंद रहा। अज़रा पांचवा बाब। फिर नबी यानी हजी नबी और ज़िक्राया बिन अदू उन यहूदियों के सामने जो यहूदा और यरूशलेम में थे नबूवत करने लगे। उन्होंने इसराइल के खुदा के नाम से उनके सामने नबूत की। तब ज़ुरबाबल बिन सलातलियल और यशु बिन युसदक उठे और खुदा के घर को जो यरूशलेम में है बनाने लगे, और खुदा के वो नबी उनके साथ होकर उनकी मदद करते थे। उन्हीं दिनों दरिया पार का हाकिम तेतनी और शतर बुजनी और उनके साथी उनके पास आकर उनसे कहने लगे कि किसके फरमान से तुम इस घर को बनाते और इस फसील को तमाम करते हो। तब हमने उनसे इस तरह कहा कि उन लोगों के क्या नाम हैं जो इस इमारत को बना रहे हैं। पर यहूदियों के बुजुर्गों पर उनके खुदा की नजर थी, सो उन्होंने उनको ना रोका जब तक कि वो मामला दारा तक ना पहुंचा, और फिर इसके बारे में खत के जरिया से जवाब ना आया। उस खत की नकल जो दरिया पार के हाकिम तत्नी और शतर बुजनी और उसके अफरासकी रफीकों ने जो दरिया पार थे दारा बादशाह को भेजा, उन्होंने उसके पास एक खत भेजा जिसमें यूं लिखा था, दारा बादशाह की हर तरह सलामती हो। बादशाह को मालूम हो कि हम यहूदा के सूबा में खुदाए ताला के घर को गए, वो बड़े बड़े पत्थरों से बन रहा है और दीवारों पर कड़ियां धरी जा रही हैं, और काम खूब कोशिश से हो रहा है और उनके हाथों तरक्की पा रहा है। तब हमने उन बुजुर्गों से सवाल किया और उनसे यूं कहा कि तुम किसके फरमान से इस घर को बनाते और इस दीवार को तमाम करते हो, और हमने उनके नाम भी पूछे ताकि हम उन लोगों के नाम लिखकर हजूर को खबर दें कि उनके सरदार कौन हैं। और उन्होंने हमको यूं जवाब दिया कि हम जमीनों आसमान के खुदा के बंदे हैं और वो ही मस्कन बना रहे हैं जिसे बने बहुत बरस हुए और जिसे इसराइल के एक बड़े बादशाह ने बनाकर तैयार किया था। लेकिन जब हमारे बाप दादा ने आसमान के खुदा को गुस्सा दिलाया तो उसने उनको शाहे बाबल नबुकदनसर कसदी के हाथ में कर दिया, जिसने इस घर को उजाड़ दिया और लोगों को बाबल को ले गया। लेकिन शाहे बाबल खोरस के पहले साल खोरस बादशाह ने हुक्म दिया कि खुदा का ये घर बनाया जाए और खुदा के घर के सोने और चांदी के जरूफ को भी, जिनको नबुकदनसर यरूशलेम की हैकल से निकालकर बाबल के मंदिर में ले आया था, उनको खोरस बादशाह ने बाबल के मंदिर से निकाला और उनको शेइस बसर नामी एक शख्स को, जिसे उसने हाकिम बनाया था, सौंप दिया और उससे कहा कि इन बर्तनों को ले और जा और इनको यरूशलेम की हैकल में रख और खुदा का मस्कन अपनी जगह पर बनाया जाए। तब उसी शेष बजर ने आकर खुदा के घर की जो यरूशलेम में है बुनियाद डाली, और उस वक्त से अब तक ये बन रहा है पर अभी तैयार नहीं हुआ। सो अब अगर बादशाह मुनासिब जाने तो बादशाह के दौलत खाना में जो बाबल में है
तफ्तीश की जाए कि खोरिस बादशाह ने खुदा के इस घर को यरूशलेम में बनाने का हुक्म दिया था या नहीं, और इस मामला में बादशाह अपनी मर्जी हम पर जाहिर करे। अज़रा छठा बाब। तब दारा बादशाह के हुक्म से बाबल के उस तवारीखी कुतुबखाना में जिसमें खजाने धरे थे तफ्तीश की गई, चुनाचे अखमता के महल में जो मादे के सूबा में वाकया है एक तोमार मिला जिसमें ये हुक्म लिखा हुआ था, खोरस बादशाह के पहले साल खोरस बादशाह ने खुदा के घर की बाबत जो यरूशलेम में है हुक्म किया कि वो घर यानी वो मुकाम जहां कुर्बानियां करते हैं बनाया जाए और उसकी बुनियादें मजबूती से डाली जाएं, उसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 60 हाथ हो, 3 रदे भारी पत्थरों के और 1 रदा नई लकड़ी का हो, और खर्च शाही महल से दिया जाए, और खुदा के घर के सोने और चांदी के बर्तन भी जिनको नबुकदनज़र उस हैकल से जो यरूशलेम में है निकालकर बाबल को लाया वापस दिए जाएं, और यरूशलेम की हैकल में अपनी अपनी जगह पहुंचाए जाएं, और तू उनको खुदा के घर में रख देना। सो तू ए दरिया पार के हाकिम तैतनी और शतरबुजनी और तुम्हारे अफ्रासकी रफीक जो दरिया पार हैं, तुम वहां से दूर रहो। खुदा के इस घर के काम में दस्त अंदाजी ना करो। यहूदियों का हाकिम और यहूदियों के बुजुर्ग खुदा के घर को उसकी जगह तामीर करें। इलावा इसके खुदा के इस घर के बनाने में यहूदियों के बुजुर्गों के साथ तुमको क्या करना है, सो उसकी बाबत मेरा ये हुक्म है कि शाही माल में से यानी दरिया पार के खेराज में से उन लोगों को बिला तौकफ खर्च दिया जाए ताकि उनको रुकना ना पड़े, और आसमान के खुदा की सोख्तनी कुर्बानियों के लिए जिस जिस चीज की उनको जरूरत हो यानी बछड़े और मेंढे और हलवान और जितना गेहूं और नमक और मै और तेल, वो काहिन जो यरूशलेम में हैं बताएं, वो सब बिला नागा रोज बरोज उनको दिया जाए ताकि वो आसमान के खुदा के हजूर राहत अंगेज कुर्बानियां चढ़ाएं और बादशाह और शाहजादों की उम्र दराजी के लिए दुआ करें। मैंने ये हुक्म भी दिया है कि जो शख्स इस फरमान को बदल दे उसके घर में से कड़ी निकाली जाए और उसे उसी पर चढ़ाकर सूली दी जाए, और इस बात के सबब से उसका घर कूड़ा खाना बना दिया जाए, और वो खुदा जिसने अपना नाम वहां रखा है सब बादशाहों और लोगों को जो खुदा के उस घर को जो यरूशलेम में है ढाने की गर्ज से इस हुक्म को बदलने के लिए अपना हाथ बढ़ाएं गारत करे। मुझ दारा ने हुक्म दिया है, इस पर बड़ी कोशिश से अमल हो। तब दरिया पार के हाकिम तत्नी और शतर बुजनी और उनके रफीकों ने दारा बादशाह के फरमान भेजने के सबब से बिला तौकफ उसके मुताबिक अमल किया। सो यहूदियों के बुजुर्ग हाजी नबी और ज़िक्रिया बिन अदू की नबूवत के सबब से तामीर करते और कामयाब होते रहे, और उन्होंने इसराइल के खुदा के हुक्म और खोरस और दारा
और शाह फारस अर्तखशास्ता के हुक्म के मुताबिक उसे बनाया और तमाम किया। सो ये मस्कन अदार के महीने की तीसरी तारीख में दारा बादशाह की सल्तनत के छठे बरस तमाम हुआ और बनी इसराइल और काहिनों और लावियों और असीरी के बाकी लोगों ने खुशी के साथ खुदा के इस घर की तकदीस की और उन्होंने खुदा के इस घर की तकदीस के मौका पर 100 बैल और 200 मेंढे और 400 बर्रे और सारे इसराइल की खता की कुर्बानी के लिए इसराइल के कबीलों के शुमार के मुताबिक 12 बकरे चढ़ाए और जैसा मूसा की किताब में लिखा है उन्होंने काहिनों को उनकी तकसीम और लावियों को उनके फरीकों के मुताबिक खुदा की इबादत के लिए जो यरूशलेम में होती है मुकरर किया और पहले महीने की 14वीं तारीख को उन लोगों ने जो असीरी से आए थे ईद फिसा मनाई क्योंकि काहिनों और लावियों ने यकतन होकर अपने आप को पाक किया था। वो सब के सब पाक थे और उन्होंने उन सब लोगों के लिए जो असीरी से आए थे और अपने भाई काहिनों के लिए और अपने वास्ते फिसा को ज़िबा किया और बनी इसराइल ने जो असीरी से लौटे थे और उन सबों ने जो खुदावंत इसराइल के खुदा के तालिब होने के लिए उस सरजमीन की अजनबी कौमों की नजासतों से अलग हो गए थे फिसा खाया और खुशी के साथ 7 दिन तक फतीरी रोटी की ईद मनाई क्योंकि खुदावन ने उनको शादमान किया था और शाह असोर के दिल को उनकी तरफ माइल किया था ताकि वो खुदा यानी इसराइल के खुदा के मस्कन के बनाने में उनकी मदद करे। अज़रा 7वां बाब। इन बातों के बाद शाह फारस अर्तखशास्ता के दौरे सल्तनत में अज़रा बिन सेराया बिन अज़रिया बिन खिलकिया बिन सलूम बिन सदूक बिन अखितोब बिन अमरिया बिन अज़रिया बिन मेरायोत बिन ज़ारखिया बिन उजी बिन बुकी बिन अब्युसु बिन फखियास बिन अलीज़र बिन हारून सरदार काहिन। यही अज़रा बाबल से गया और वो मूसा की शरीयत में जिसे खुदावंद इसराइल के खुदा ने दिया था माहिरे फिकिया था और चूंकि खुदावंद उसके खुदा का हाथ उस पर था बादशाह ने उसकी सब दरख्वास्तें मंजूर की और बनी इसराइल और काहिनों और लावियों और गाने वालों और दरबानों और नतनियम में से कुछ लोग अर्तखशास्ता बादशाह के 7वें साल यरूशलेम में आए और वो बादशाह की सल्तनत के 7वें बरस के 5वें महीने यरूशलेम में पहुंचा क्योंकि पहले महीने की पहली तारीख को तो वो बाबल से चला और 5वें महीने की पहली तारीख को यरूशलेम में आ पहुंचा क्योंकि उसके खुदा की शफकत का हाथ उस पर था इसलिए कि अज़रा आमादा हो गया था कि खुदावंद की शरीयत का तालिब हो और उस पर अमल करे और इसराइल में आइन और अहकाम की तालीम दे। और अज़रा काहिन और फिकिया यानी खुदावंद के इसराइल को दिए हुए अहकाम और आइन की बातों के फिकिया को जो खत अर्तखशास्ता बादशाह ने अनायत किया उसकी नकल ये है। अर्तखशास्ता शहंशाह की तरफ से
अज़रा काहिन यानी आसमान के खुदा की शरीयत के फिकिया कामिल वगैरह वगैरह को। मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि इसराइल के जो लोग और उनके काहिन और लावी मेरी मुमलकत में हैं, उनमें से जितने अपनी खुशी से यरूशलेम को जाना चाहते हैं तेरे साथ जाएं, क्योंकि तू बादशाह और उसके साथों मुशीरों की तरफ से भेजा जाता है ताकि अपने खुदा की शरीयत के मुताबिक जो तेरे हाथ में है यहूदा और यरूशलेम का हाल दरियाफ्त करे। और जो चांदी और सोना बादशाह और उसके मुशीरों ने इसराइल के खुदा को जिसका मस्कन यरूशलेम में है अपनी खुशी से नजर किया है ले जाए, और जिस कदर चांदी सोना बाबल के सारे सूबे से तुझे मिलेगा, और जो खुशी के हदिये लोग और काहिन अपने खुदा के घर के लिए जो यरूशलेम में है अपनी खुशी से दें उनको ले जाए। इसलिए उस रुपए से बैल और मेंढे और हलवान और उनकी नजर की कुर्बानियां और उनके तपावन की चीजें तू बड़ी कोशिश से खरीदना और उनको अपने खुदा के घर के मजबा पर जो यरूशलेम में है चढ़ाना, और तुझे और तेरे भाइयों को बाकी चांदी सोने के साथ जो कुछ करना मुनासिब मालूम हो वही अपने खुदा की मर्जी के मुताबिक करना। और जो बर्तन तुझे तेरे खुदा के घर की इबादत के लिए सौंपे जाते हैं उनको यरूशलेम के खुदा के हजूर दे देना, और जो कुछ और तेरे खुदा के घर के लिए जरूरी हो जो तुझे देना पड़े उसे शाही खजाना से देना। और मैं अर्तखशास्ता बादशाह खुद दरिया पार के सब खजांचियों को हुक्म करता हूँ कि जो कुछ अज़रा काहिन आसमान के खुदा की शरीयत का फिकिया तुमसे चाहे वो बिला तौक्फ किया जाए, यानी 100 कंतार चांदी और 100 कुर गेहूं और 100 बत मैं और 100 बत तेल तक और नमक बेअंदाजा, जो कुछ आसमान के खुदा ने हुक्म किया है सो ठीक वैसा ही आसमान के खुदा के घर के लिए किया जाए, क्योंकि बादशाह और शाहजादों की मुमलकत पर गजब क्यों भड़के। और तुमको हम आगाह करते हैं कि काहिनों और लावियों और गाने वालों और दरबानों और नतनियम और खुदा के इस घर के खादिमों में से किसी पर खैराज चुंगी या महसूल लगाना जायज ना होगा। और ए अज़रा, तू अपने खुदा की उस दानिश के मुताबिक जो तुझको अनायत हुई हाकिमों और काजियों को मुकरर कर, ताकि दरिया पार के सब लोगों का जो तेरे खुदा की शरीयत को जानते हैं इंसाफ करें, और तुम उसको जो ना जानता हो सिखाओ। और जो कोई तेरे खुदा की शरीयत पर और बादशाह के फरमान पर अमल ना करे उसको बिला तवक्कफ कानूनी सजा दी जाए, खा मौत या जलावतनी या माल की जब्ती या कैद की। खुदावंद हमारे बाप दादा का खुदा मुबारक हो जिसने ये बात बादशाह के दिल में डाली कि खुदा के घर को जो यरूशलेम में है आरास्ता करे, और बादशाह और उसके मशीरों के हजूर और बादशाह के सब आली कदर सरदारों के आगे अपनी रहमत मुझ पर की, और मैंने खुदावंद अपने खुदा के हाथ से जो मुझ पर था तकवीयत पाई, और मैंने इसराइल में से खास लोगों को इकट्ठा किया कि वो मेरे हमरा चलें। अज़रा 8वां बाब। अर्तखशास्ता बादशाह के दौरे सल्तनत में
जो लोग मेरे साथ बाबल से निकले उनके आबाई खानदानों के सरदार ये हैं, और उनका नसब नामा ये है। बनी फिखियास में से जरसूम, बनी इतमर में से दानियल, बनी दाऊद में से हतोश, बनी सिकनिया की नस्ल के बनी पर ओस में से जिक्रिया, और उसके साथ 150 मर्द नसबनामा की रूह से गिने हुए थे। बनी पखत मुआब में से अलीहुअनी, बनी जराखिया, और उसके साथ 200 मर्द, और बनी सिकनाया में से यज्रियल का बेटा और उसके साथ 300 मर्द, और बनी अदेन में से अबद बिन यूनतन और उसके साथ 50 मर्द, और बनी एलाम में से यसाया बिन अतलिया और उसके साथ 70 मर्द, और बनी सफ्तिया में से जब्दिया बिन मिखाएल और उसके साथ 80 मर्द, और बनी युआब में से अब्दाया बिन यहियल और उसके साथ 218 मर्द, और बनी सलोमियत में से योसफिया का बेटा और उसके साथ 160 मर्द, और बनी बबी में से जिक्रिया बिन बबी और उसके साथ 28 मर्द, और बनी अजजाद में से यहूहन्नान बिन हकतान और उसके साथ 110 मर्द, और बनी अदुनुकाम में से जो सबसे पीछे गए उनके नाम ये हैं, अली फलत और यलियल और समिया और उनके साथ 60 मर्द, और बनी बेगवी में से औती और जबूद और उनके साथ 70 मर्द। फिर मैंने उनको उस दरिया के पास जो हादा की समत को बहता है इकट्ठा किया, और वहां हम 3 दिन खैमों में रहे, और मैंने लोगों और काहिनों का मुलाहजा किया, पर बनी लावी में से किसी को ना पाया। तब मैंने अलीजर और अरियल और समिया और अलनातिन और यारेब और अलनातिन और नातिन और यारेब और अलनातिन और नातिन और जिक्रिया और मसालिम को जो रईस थे, और यू यारेब और अलनातिन को जो मुअल्लिम थे बुलवाया, और मैंने उसको कैसफिया नाम एक मुकाम में अदू सरदार के पास भेजा, और जो कुछ उनको अदू और उसके भाइयों नतनियम से कैसफिया में कहना था बताया, कि वो हमारे घर के खुदा के लिए खिदमत करने वाले हमारे पास ले आए, और चूंकि हमारे खुदा की शफकत का हाथ हम पर था, इसलिए वो मोहाली बिन लावी बिन इसराइल की औलाद में से एक दानिशमंद शख्स को और सर्बिया को और उसके बेटों और भाइयों यानी 18 आदमियों को और हसबिया को और उसके साथ बनी मेरारी में से यसाया को और उसके भाइयों और उनके बेटों को यानी 20 आदमियों को और नतनियम में से जिनको दाऊद और अमीरों ने लावियों की खिदमत के लिए मुकरर किया था 220 नतनियम को ले आए। इन सबों के नाम बता दिए गए थे। तब मैंने अहावा के दरिया पर रोजा की मुनादी कराई, ताकि हम अपने खुदा के हजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरौतन बने, क्योंकि मैंने शर्म के बायस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरख्वास्त ना की थी, ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबला में हमारी मदद करें, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था
कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालिब हैं, और उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तर्क करते हैं। सो हमने रोजा रखकर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। तब मैंने सरदार काहिनों में से 12 को, यानी सरबिया और हसबिया और उनके साथ उनके भाइयों में से 10 को अलग किया, और उनको वो चांदी, सोना और जरूफ, यानी वो हदिया जो हमारे खुदा के घर के लिए बादशाह और उसके वजीरों और अमीरों और तमाम इसराइल ने जो वहां हाजिर थे नजर किया था तोल दिया। मैं ही ने उनके हाथ में 650 कंतार चांदी और 100 कंतार चांदी के बर्तन और 100 कंतार सोना और सोने के 20 प्याले जो 1000 दिरहम के थे, और चोखे चमकते हुए पीतल के 2 बर्तन जो सोने की तरह कीमती थे तोल कर दिए। और मैंने उनसे कहा कि तुम खुदावन के लिए मुकद्दस हो, और ये बर्तन भी मुकद्दस हैं, और ये चांदी और सोना खुदावन तुम्हारे बाप दादा के खुदा के लिए रजा की कुर्बानी है। सो होशियार रहना, जब तक यरूशलेम में खुदावन के घर की कोठरियों में सरदार काहिनों और लावियों और इसराइल के आबाई खानदानों के अमीरों के सामने उनको तोल ना दो, उनकी हिफाजत करना। सो काहिनों और लावियों ने सोने और चांदी और बर्तनों को तोल कर लिया, ताकि उनको यरूशलेम में हमारे खुदा के घर में पहुंचाएं। फिर हम पहले महीने की 12वीं तारीख को एहावा के दरिया से रवाना हुए कि यरूशलेम को जाएं, और हमारे खुदा का हाथ हमारे साथ था, और उसने हमको दुश्मनों और रास्ता में घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। और हम यरूशलेम पहुंचकर 3 दिन तक ठहरे रहे, और 4th दिन वो चांदी और सोना और बर्तन हमारे खुदा के घर में तोल कर काहिन मरेमोत बिन ओरिया के हाथ में दिए गए, और उसके साथ अलीजर बिन फिखियास था, और उनके साथ ये लावी थे, यानी योजबाद बिन यशु और नोएदिया बिन बनवी। सब चीजों को गिनकर और तोल कर पूरा वजन उसी वक्त लिख लिया गया, और असीरी में से उन लोगों ने जो जलावतनी से लौट आए थे इसराइल के खुदा के लिए सोक्तनी कुर्बानियां चढ़ाई, यानी सारे इसराइल के लिए 12 बछड़े और 96 मेंढे और 77 बर्रे, और खता की कुर्बानी के लिए 12 बकरे, ये सब खुदावन के लिए सोक्तनी कुर्बानी थी। और उन्होंने बादशाह के फरमानों को बादशाह के नायबों और दरिया पार के हाकिमों के हवाला किया, और उन्होंने लोगों की और खुदा के घर की हमायत की। अज़रा 9वां बाब। जब ये सब काम हो चुके तो सरदारों ने मेरे पास आकर कहा कि इसराइल के लोग और काहिन और लावी इन अतराफ की कौमों से अलग नहीं रहे, क्योंकि केनानियों और हेतियों और फर्जियों और यबूसियों और अमोनियों और मुआबियों और मिस्रियों और अमोरियों के से नफरती काम करते हैं। चुनाचे उन्होंने अपने और अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ली हैं। सो मुकद्दस नस्ल इन अतराफ की कौमों के साथ खलत मलत हो गई, और सरदारों और हाकिमों का हाथ इस बदकारी में सबसे बड़ा हुआ है।
जब मैंने ये बात सुनी तो आपने पैरहन और अपनी चादर को चाक किया और सिर और दाढ़ी के बाल नोचे और हैरान हो बैठा। तब वो सब जो इसराइल के खुदा की बातों से कांपते थे, असीरों की इस बदकारी के बायस मेरे पास जमा हुए और मैं शाम की कुर्बानी तक हैरान बैठा रहा। और शाम की कुर्बानी के वक्त मैं अपना फटा पैरहन पहने और अपनी फटी चादर ओढ़े हुए अपनी शर्मिंदगी की हालत से उठा और अपने घुटनों पर गिरकर खुदावंद अपने खुदा की तरफ अपने हाथ फैलाए और कहा, ए मेरे खुदा, मैं शर्मिंदा हूं और तेरी तरफ ए मेरे खुदा अपना मुंह उठाते मुझे ला जाती है, क्योंकि हमारे गुनाह बढ़ते बढ़ते हमारे सिर से बुलंद हो गए और हमारी खताकारी आसमान तक पहुंच गई है। अपने बाप दादा के वक्त से आज तक हम बड़े खताकार रहे और अपनी बदकारी के बायस हम और हमारे बादशाह और हमारे काहिन और मुल्कों के बादशाह और तलवार और असीरी और गारत और शर्मिंदगी के हवाला हुए हैं, जैसा आज के दिन है। अब थोड़े दिनों से खुदावंद हमारे खुदा की तरफ से हम पर फजल हुआ है ताकि हमारा कुछ बकिया बच निकलने को छूटे और उसके मकाने मुकद्दस में हमको एक कोठी मिले और हमारा खुदा हमारी आंखें रोशन करे और हमारी गुलामी में हमको कुछ ताजगी बख्शे, क्योंकि हम तो गुलाम हैं, पर हमारे खुदा ने हमारी गुलामी में हमको छोड़ा नहीं, बल्कि हमको ताजगी बख्शी और अपने खुदा के घर को बनाने और उसके खंडरों की मुरम्मत करने और यहूदा और यरूशलेम में हमको शहर पनाह देने को फारस के बादशाह के सामने हम पर रहमत की। और अब ए हमारे खुदा, हम इसके बाद क्या कहें, क्योंकि हमने तेरे उन हुक्मों को तर्क कर दिया है जो तूने अपने खादिमों यानी नबियों की मार्फत फरमाए कि वो मुल्क जिसे तुम मेरास में लेने को जाते हो और मुल्कों की कौमों की नजासत और नफरती कामों के सबब से नापाक मुल्क है, क्योंकि उन्होंने अपनी नापाकी से इसको इस सिरे से उस सिरे तक भर दिया है। सो तुम अपनी बेटियां उनके बेटों को ना देना और उनकी बेटियां अपने बेटों के लिए ना लेना और ना कभी उनकी सलामती या इकबाल मंदी चाहना, ताकि तुम मजबूत बनो और उस मुल्क की अच्छी अच्छी चीजें खाओ और अपनी औलाद के वास्ते हमेशा की मेरास के लिए उसे छोड़ जाओ। और हमारे बुरे कामों और बड़े गुनाह के बायस जो कुछ हम पर गुजरा उसके बाद ए हमारे खुदा, दरहाल के तूने हमारे गुनाहों के अंदाजा से हमको कम सजा दी और हम में से ऐसा बकिया छोड़ा, क्या हम फिर तेरे हुक्मों को तोड़ें और उन कौमों से नाता जोड़ें जो इन नफरती कामों को करती हैं? क्या तू हमसे ऐसा गुस्सा ना होगा कि हमको नेस्तो नाबूद कर दे, यहां तक कि ना कोई बकिया रहे और ना कोई बचे? ऐ खुदावंद इसराइल के खुदा, तू सादिक है, क्योंकि हम एक बकिया हैं जो बच निकला है, जैसा आज के दिन है। देख, हम अपनी खताकारी में तेरे हजूर हाजिर हैं, क्योंकि इसी सबब से कोई तेरे हजूर खड़ा नहीं रह सकता। अज़रा दसवां बाब।
जब अज़रा खुदा के घर के आगे रो रो कर और औंधे मुंह गिरकर दुआ और इकरार कर रहा था, तो इसराइल में से मर्दों और औरतों और बच्चों की एक बहुत बड़ी जमायत उसके पास फराहम हो गई और लोग फूट फूट कर रो रहे थे। तब सिकनिया बिन यहियल, जो बनी एलाम में से था, अज़रा से कहने लगा, हम अपने खुदा के गुनहगार तो हुए हैं और इस सरजमीन की कौमों में से अजनबी औरतें ब्याली हैं, तो भी इस मामला में अब भी इसराइल के लिए उम्मीद है, सो अब हम अपने मखदूम की और उनकी सलाह के मुताबिक, जो हमारे खुदा के हुक्म से कांपते हैं, सब बीवियों और उनकी औलाद को दूर करने के लिए अपने खुदा से अहद बांधें और ये शरीयत के मुताबिक किया जाए। पस उठ, क्योंकि ये तेरा ही काम है और हम तेरे साथ हैं, हिम्मत बांधकर काम में लग जा। तब अज़रा ने उठकर सरदार काहिनों और लावियों और सारे इसराइल से कसम ली कि वो इस इकरार के मुताबिक अमल करेंगे, और उन्होंने कसम खाई। तब अज़रा खुदा के घर के सामने से उठा और यहू हन्नान बिन अली यासिब की कोठड़ी में गया और वहां जाकर ना रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि वो असीरी के लोगों की खता के सबब से मातम करता रहा। फिर उन्होंने यहूदा और यरूशलेम में असीरी के सब लोगों के दरमियान मुनादी की कि वो यरूशलेम में इकट्ठे हो जाएं, और जो कोई सरदारों और बुजुर्गों की सलाह के मुताबिक 3 दिन के अंदर ना आए, उसका सारा माल जब्त हो और वो खुद असीरी की जमायत में से अलग किया जाए। तब यहूदा और बिन्यामीन के सब मर्द उन 3 दिनों के अंदर यरूशलेम में इकट्ठे हुए। महीना 9वां था और उसकी 20वीं तारीख थी, और सब लोग इस मामला और बड़ी बारिश के सबब से खुदा के घर के सामने के मैदान में बैठे कांप रहे थे। तब अज़रा काहिन खड़ा होकर उनसे कहने लगा कि तुमने खता की है और इसराइल का गुनाह बढ़ाने को अजनबी औरतें ब्याली हैं। पस खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के आगे इकरार करो और उसकी मर्जी पर अमल करो और इस सरजमीन के लोगों और अजनबी औरतों से अलग हो जाओ। तब सारी जमायत ने जवाब दिया और बुलंद आवाज से कहा कि जैसा तूने कहा वैसा ही हमको करना लाजिम है, लेकिन लोग बहुत हैं और इस वक्त शिद्दत की बारिश हो रही है और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते, और ना ये 1-2 दिन का काम है, क्योंकि हमने इस मामला में बड़ा गुनाह किया है। अब सारी जमायत के लिए हमारे सरदार मुकर्रर हों और हमारे शहरों में जिन्होंने अजनबी औरतें ब्याली हैं वो सब मुकर्रा वक्तों पर आएं, और उनके साथ हर शहर के बुजुर्ग और काजी हों, जब तक के हमारे खुदा का कहर शदीद हम पर से टल ना जाए और इस मामला का तस्फिया ना हो जाए। फक्त यूनतन बिन इसाहिल और यहाजिया बिन तिकवा इस बात के खिलाफ खड़े हुए, और मसालिम और सबती लावी ने उनकी मदद की, पर असीरी के लोगों ने वैसा ही किया, और अज़रा काहिन और आबाई खानदानों के सरदारों में से बाज अपने अपने आबाई खानदान की तरफ से सब नाम बनाम अलग किए गए, और वो 10वें महीने की 1 तारीख को इस बात की तहकीकात के लिए बैठे,
और पहले महीने के पहले दिन तक उन सब मर्दों के मामला का फैसला किया जिन्होंने अजनबी औरतें ब्याह ली थीं, और काहिनों की औलाद में ये लोग मिले जिन्होंने अजनबी औरतें ब्याह ली थीं, यानी बनी यशु में से युसदक का बेटा और उसके भाई मासिया और अलीजोर और यारेब और जदलिया। उन्होंने अपनी बीवियों को दूर करने का वादा किया और गुनहगार होने के सबब से उन्होंने अपने गुनाह के लिए अपने अपने रेवड़ में से एक एक मेंढा कुर्बान किया। और बनी अमीर में से हेनानी और जब्दिया और बनी हेराम में से मासिया और एलिया और इलाया और सामिया और याहियल और उजिया। और बनी फिशहोर में से अलियोनी और मासिया और इस्माइल और नतेनियल और योजबाद और अलासा। और लावियों में से योजबाद और समी और केलाया, जो केलातिया भी कहलाता है, फितहाया और यहूदा और अलीजर। और गाने वालों में से अलियासिब, और दरबानों में से सलूम और तलम और ओरी। और इसराइल में से बनी परोस में से रमिया और बजिया और मलखिया और मियामीन और अलीजर और मलखिया और बनाया। और बनी एलाम में से मेथनिया और जिक्रिया और यहियल और अबदी और यरमोत और इलाहिया। और बनी जोतू में से अलियो एनी और अलियासिब और मिथनाया और यरमोत और जाबाद और अजीजा। और बनी बबी में से यहू हन्नान और हनानिया और जबी और अतली। और बनी बानी में से मसालम और मलूक और अदाया और यासूब और सियाल और यरमूत। और बनी पखत मुआब में से अदना और किलाल और बनाया और मासिया और मिथनाया और बसलियल और बनवी और मनसी। और बनी हारिम में से अलीजर और याशिया और मिलखाया और समिया और शमून। बिन्यामीन और मलूक और समरिया। और बनी हशूम में से मतनी और मितता और जाबाद और अलिफलत और यर्मी और मनसी और समी। और बनी बानी में से मादी और उमराम और ओवेल, बनाया और बदिया और कुल्हा और विनाया और मरिमोत और अलियासब और मितनाया और मतनी और यसु और बानी और बनवी और समी और सलमाया और नातिन और अदाया। मकनदबी सासी सारी अज़रियल और सलमिया समराया। सलूम अमरिया यूसुफ। बनी नबू में से यलियल मिथाया जबाद जबनिया यदू और युआएल बनाया। ये सब अजनबी औरतों को ब्याह लाए थे और बाजों की बीवियां ऐसी थीं जिनसे उनके औलाद थी।